पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियोस नहीं बना, लेकिन फाइनली मैं यूट्यूब पर वापस आ चुका हूँ और आज से हम लोग शुरू करेंगे नया सिलसिला हमारे वीडियोस बनाने का। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई ये चैनल में आपको क्या देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सारी की सारी वेब सीरीज के रिव्यूज मिल जाएंगे, प्लस मूवीज के रिव्यूज मिल जाएंगे, प्लस ट्रेलर्स के रिव्यूज मिल जाएंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर जो वेब सीरीज के स्टोरीज आप लोगों को समझ में आए, उसका एंडिंग एक्सप्लेन के भी वीडियोस मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप मुझे जो भी कमेंट करते हो मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। जो जो कमेंट में आप बोलते हैं कि इस मूवी के बारे में या इस एक्टर के बारे में बात करो, तो इस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल चीजें मिल जाती है। खैर, हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे कैनेडा व्यूवर्स के लिए, जिन लोगों के कमेंट्स बहुत आते रहते हैं, जिन लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिस पर मैं सब पर रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यार बहुत लोग बहुत बड़ी तादाद में कमेंट आते जाए कि पुनीत राजकुमार सर के बारे में बात करो, या तो फिर चैलेंजिंग स्टार दर्शन के बारे में बात करो, या तो फिर हाल फिलहाल में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में रक्षित शेट्टी, उनके बारे में बात करो। उसके अलावा रॉकी स्टार यश, तो आपको पता है कि केजीएफ चैप्टर वन के बाद सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कनाडा सिनेमा ही उठ के ऐसा सामने आया कि बॉलीवुड भी उससे डरने लगा है। तो आज हम लोग बात करेंगे केजीएफ चैप्टर टू के पोस्टर्स के बारे में, साथ साथ ये भी बात करेंगे संजू बाबा इस मूवी में हमें किस रोल में नजर आने वाले, और क्या संजू बाबा यश पर यानी रॉकिंग स्टार यश पर भारी पड़ सकते हैं, ये सब कुछ हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि शेख, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। तो यार ज्यादा समय न लेते शुरू करते हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, ये जो केजीएफ चैप्टर वन है, ये मूवी अपने आप में एक अलग तरीके की मूवी। जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, तो मुझे पर्सनली कनाडा सिनेमा के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, और मैं सोचा था कि भाई ये एक्टर कौन है, मैंने इसकी फिल्म भी नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने केजीएफ चैप्टर वन देखा, वो फिल्म मेरे दिल में आज तक बसी, क्योंकि काफी फिल्में आप देखते हो और भूल जाते हो, काफी फिल्में आती है और चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती है जो आपके दिमाग में दिल में रह जाती है, क्योंकि उस फिल्म में ऐसा कुछ बताया जाता है जो एक आम इंसान यानी कॉमन मैन चाहता है। हीरो किसको बोलते हैं? हीरो बहुत बड़े बड़े भारी भारी डायलॉग्स बोलता है, बहुत सारे गुंडों को मारता है। खैर, मूवी की बात तो केजीएफ चैप्टर वन को सबको पता है कि बहुत ज्यादा हिट हुई। उस मूवी के हिट होने की जो वजह थी वो थी इसकी कहानी, प्लस के डायलॉग्स, प्लस रॉकिंग स्टार यश का परफॉर्मेंस, उसका बीजीएम, और एक अलग तरीके की जो नई दुनिया बजाय थी वो बॉलीवुड वाले हमें कभी आज तक दिखाई नहीं। और ये बताया किसने? कनाडा सिनेमा वालों ने, जिसको लगभग 40 से 55% इंडियंस लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये भी एक अलग तरीके का सिनेमा, यहाँ पर भी फिल्में बनती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कनाडा में सारी की सारी फिल्में हिट होती है, लेकिन ऐसी बहुत सी फिल्में आने वाली है जो भारी पड़ सकती है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों पर। मैंने पर्सनली उन मूवीज का टीजर्स देखा है, उन मूवीज का फर्स्ट लुक देखा, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि वो सारी की सारी फिल्में बॉलीवुड पर भारी बनने वाली है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, जो केजीएफ चैप्टर टू है, केजीएफ चैप्टर टू के जितने भी पोस्टर्स आए वो सबके सब ट्रेंडिंग होने लगे, और मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा किसी मूवी का इतना ज्यादा क्रेज लोगों के बीच में, और सिर्फ पोस्टर ही इतना ज्यादा वायरल होना कि यानी टीजर और ट्रेलर तो दूर की बात है, नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा था केजीएफ चैप्टर टू का पोस्टर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये अपने आप में रॉकिंग स्टार यश का पावर बताता है ऑडियंस के ऊपर। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ केजीएफ चैप्टर टू वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी कि इंडियन सिनेमा में चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, जितनी भी फिल्में बनती है सब फिल्मों का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी, क्योंकि इस मूवी को लेकर जो लोगों का क्रेज है ना वो एक अलग ही लेवल पे। केजीएफ चैप्टर टू अपने आप में ही बड़ी इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड लेजेंड मैं तो बोलूंगा संजू बाबा देखने को मिलता है। संजू बाबा यहाँ पर एक विलन का रोल प्ले किया जिसका नाम है अधीरा। आपको तो पता होगा संजू बाबा ने जब भी कोई मूवी में काम किया और एज ए विलन काम किया, तो वो उस मूवी के जो हीरो होते हैं उस हीरो से भी ज्यादा वाहवाही बटोरी संजू बाबा ने विलन के रोल में। अगर आपको नहीं पता तो आप उसके बहुत सारी मूवीज के कलेक्शन देख सकते हो जहां पर उन्होंने विलन का रोल प्ले किया, चाहे वो खलनायक हो, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो जंग हो, वास्तव हो, तो यार इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया और उनके ऊपर नेगेटिव रोल बहुत अच्छा लगता है। अगर बॉलीवुड के पास थैनोस है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बॉलीवुड के पास संजू बाबा जो कि इतना जबरदस्त विलेन प्ले कर सकते हैं जिसे देखकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, ये जो मूवी में यश और संजू बाबा की जो कलिजन है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और मेकर्स ने खुद ये बात बोली है कि इस बार आपको एक ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा तो कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर आप लोग थैनोस को पसंद करते हो, अगर आपको थैनोस से डर लगता है तो समझ लेना अधीरा भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मैं अपने आप में एक्साइट हो चुका था कि यार इस बार तो बहुत जबरदस्त रॉकी भाई को टक्कर देगा, वो है अधीरा। खैर, मुझे तो पर्सनली केजीएफ चैप्टर टू से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं केजीएफ चैप्टर वन को एक अलग ही मूवी मानता हूँ। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग ही है, और वो जिस तरीके से बनाया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया था। यहाँ पर मैं डायरेक्टर प्रशांत नील की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है।
यहाँ पर आपको रवीना टंडन भी नजर आने वाली है। रवीना टंडन बहुत ही स्पेशल रोल में यहाँ पे नजर आने वाली, वो यहाँ पे रोल प्ले करे रमिका सेन यानी कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर का। रवीना टंडन के बारे में आपको लगता होगा कि सिर्फ उसको ग्लैमर के लिए मूवी में लिया जाता होगा 90s में, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आप उनकी शूल मूवी देखते हैं जहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आई होप उन्होंने इस मूवी में भी बहुत अच्छा काम किया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पुरानी कास्ट भी नजर आने वाली केजीएफ चैप्टर 2 में, जैसे अनंत नाग सर, उनका रोल कौन भूल सकता है। केजीएफ चैप्टर उनकी शुरुआत ही उनके रोल से ही हुई थी। उसके अलावा आपको बहुत से एक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कितना एक्साइटेड हो केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। फिलहाल तो सिर्फ इसके पोस्टर्स आए जो कि इतने ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे, सोचो इसका टीजर और ट्रेलर आएगा और जब पूरी की पूरी फिल्म आएगी तब क्या बवाल मचने वाला। बस इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यश या संजू बाबा ये दोनों एक्टर में से आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है, और क्या रॉकी भाई और अधीरा इन दोनों की जब भिड़ंत होगी तो इस भिड़ंत में कौन जीतेगा और ये भिड़ंत देखने में आपको कितना ज्यादा मजा आएगा, इसके बारे में मुझे आप बता सकते हो। उसके अलावा रवीना टंडन एज प्राइम मिनिस्टर कैसी लगेगी ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ राशि शेख, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना, हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।